अस्सलाम वालेकुम, मैं मसर फातिमा। आज आपके लिए देखिए दही के मिर्चियाँ बनाना बताऊंगी। दही के मिर्चियों के लिए देखिए हमने लिया है खट्टा दही एक कटोरी, हाफ कटोरी देखिए मीठा दही लिया है हमने, 2 चम्मच जीरा भूनकर पीस लिया है, ये देखिए 1 चम्मच नमक है। अब हम इसमें जीरे में मिला लेंगे नमक को। ये जो मिर्चियाँ हैं इसमें से हम ऑलरेडी ये देखिए ऐसे ऐसे चीर कर पूरे सारे दाने हमने निकाल कर इसे धो लिया है। और ये जो जीरा है ये देखिए जीरा और नमक को इस तरीके से हम मिला देंगे और ये सारा मसाला हम मिर्चियों में भर देंगे। ये देखिए हमने सारा मसाला इस तरीके से मिर्चियों में भर दिया है। ये जो हम मिर्चियाँ लिए हैं 1.25 किलो मिर्चियाँ लिए हैं। अब हम इसको देखिए ये कटोरा, ये देखिए दही इस तरीके से मिला लेंगे हम। जो खट्टा दही भी लिए हम मीडियम गाढ़ा है, देखिए इसे अच्छे से मिला लेंगे। इसमें भी हम थोड़ा सा नमक ऐड करें, ज़्यादा मत ऐड करिए क्योंकि खारा हो जाएगा, इसीलिए इसे अच्छे से मिलाकर हम ये मिर्चें इसमें ऐड कर देंगे। ये देखिए हम थोड़ा नमक ऐड कर रहे हैं इसमें, अच्छे से हम इसे मिला लेंगे। अभी जो मिर्चियाँ हैं वह इसमें मिला लेंगे इस तरीके से। इसे अच्छी धूप 4 से 5 दिन तक हम धूप में रखेंगे। ये देखिए हमने सारे मिर्चियाँ इसमें डाल दिए हैं। इस तरीके से हम सारे मिर्चियों को, इसे सिल्वर का बर्तन या स्टील के बर्तन में मत बनाइए। अगर आप जो दही है दही के खार से आपका बर्तन भी ख़राब हो सकता है, किसी प्लास्टिक के बर्तन में इस तरीके से मिला लीजिए। किसी प्लास्टिक के बर्तन में आप डालकर धूप में रखिए। देखिए अच्छे से मिलाएंगे हम इसे, ये जो मिर्चियाँ हैं दही में अच्छे से मिल जाएंगे। ये देखिए हमने इस तरीके से ये कटोरे में निकाल लिया है ये। अब हम इसे धूप में रख देंगे, अच्छे से मिर्चियाँ रेडी हो जाएंगे, अच्छे से बनेंगे। 4 से 5 दिन की धूप अच्छी से मिलेंगे तो ये दही की मिर्चियाँ अच्छे बनेंगे। देखिए दही की मिर्चियाँ अच्छे से सूख गए हैं, अच्छे से रेडी हो गए हैं। ये देखिए अब हम आपको इसको तल कर बताएंगे। आप चाहे तो इसमें जीरे के साथ धनिया पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं दही के मिर्चियों को। ये देखिए तेल अच्छे से गर्म हो गया है, अब हम इसमें दही के मिर्चियाँ डाल कर इसे तल लेंगे। बहुत अच्छे हैं और टेस्ट में भी अच्छे हैं, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। अच्छे से हम थोड़ा लाइट ब्राउन करेंगे। ये देखिए दही के मिर्चियाँ अच्छे से तले गए हैं, आप भी इसे ज़रूर बनाइए, बहुत अच्छा है रमज़ान स्पेशल के लिए। ख़ास शहर में हम बना सकते हैं, तल सकते हैं। अब हम इसे प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए दही के मिर्चियाँ हमने तल लिए हैं, देखिए सूखे मिर्चियाँ हैं दही के, आप इसे ज़रूर ट्राई करिए, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएंगी। प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करिए, मेरे चैनल को लाइक करिए, मेरे चैनल को शेयर करिए। इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।